हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं जो कि अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है जिसमें, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्राइस पर हमारी एंट्री होती है और हमारा टारगेट क्या होगा। और इसका मैंने चार्ट भी दोपहर में ही पोस्ट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके थ्रू जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका चार्ट मैंने दोपहर में ही दो स्टॉक का चार्ट वहाँ पर पोस्ट किया था। मुझे लगा था कि ये दोनों स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक के ऊपर तो मैं एक वीडियो नहीं ला सकता एक ही दिन में, तो एक स्टॉक के ऊपर मैं कल ला दूंगा अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से प्राइस पर हमारी एंट्री होती है और हमारा टारगेट क्या होता है। और उससे पहले मैं आप लोग को स्टॉक का नाम बता दूँ, उससे तो रेट देख कर ही काफ़ी सारे लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि कौन सा स्टॉक है। फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए, निफ्टी 50 का एक स्टॉक है और स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस का ये स्टॉक है और हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हमारी एंट्री होती है। तो दोस्तों, जैसा कि ये देखिए 850 के आसपास इसने अपना हाई बनाया था, 848 का मुझे लगता है इसने हाई बनाया था अपना, 847 का अपना हाई बनाया था। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये रेड वाली कैंडल थी, वहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था और गिरा था, अपने सपोर्ट पर आया था। लेकिन यहाँ से जो अमेरिका के बाज़ारों में जो इसका ट्रेड होता है ADR में, तो वहाँ से सीधा ये स्टॉक एक ही दिन में 12% की गिरावट आ गई थी इस स्टॉक में। फिर यहाँ पर देखिए, हम लोग ने सेकेंड डे बाई किया था 643 पर, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि मैंने इन्फोसिस को 643 पर बाई किया हुआ है और टारगेट मेरा रहेगा 675। तो वहाँ पर मैं 675 पर एग्ज़िट हो गया था। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि उसके मतलब दो तीन दिन बाद यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट किया था, तो मैंने वहाँ पर भी लोगों को बोला था कि इसमें 694 का यहाँ पर हाई बना था, तो 696 पे बाई करिए। और वहाँ पर देखिए, एक ही दिन में मैंने यहाँ पर 4% का रिटर्न बुक कर लिया था। जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगा, जो लोग नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे टेलीग्राम में पिछले दो तीन महीने से ज्वाइन है उनको तो ज़रूर पता होगा कि मैंने इन्फोसिस में एक ही दिन में 4% का रिटर्न बुक किया था। ठीक है, ये वाली बड़ी वाली जो कैंडल बनी थी, इसी दिन सेम डे में एंट्री, सेम डे में एग्जिट, मतलब मुश्किल से मुझे लगा था 30-35 मिनट लगा था, 4% का रिटर्न मैंने इन्फोसिस में बुक किया था। वहाँ से देखिए, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज इसने ब्रेकआउट दिया है इसको। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्राइस पर एंट्री होती है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकालूंगा और ट्रेंड लाइन का नाम रहेगा हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर खींच के मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू कलर ले लिया है। अब हम देखते हैं कि इस स्टॉक का जो कंसोलिडेट वाला प्राइस था वो कहाँ पर था। तो मुझे ये वाला प्राइस दिख रहा है, ये जो रेड वाली और ग्रीन वाली कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो क्लियर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक ग्रीन वाली और रेड वाली कैंडल दो यहाँ पर हमें दिख रही है, तो दोनों का हाई हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसका हाई मार्क कर लिया और इसका हाई यहाँ पर 726 से दिखा रहा है। ठीक है, और इसका हम लो भी मार्क कर लेते हैं कि ये प्राइस कौन से प्राइस रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। काफ़ी दिनों से, लगभग दो महीने से घूम रहा है ये स्टॉक इसी रेंज के बीच में। तो यहाँ पर देखिए, दोनों प्राइस मैंने खींच लिया है। यहाँ पर एक नीचे 686 का और ऊपर 726 का, 726 का ऊपरी वाले हमारा भाग है और 686 का हमारा निचला वाला स्तर है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक इसी के बीच में घूम रहा है नवंबर से लेकर के अब तक, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर जाने को है, तो डेढ़ महीने से ऊपर हो गया, तो ये स्टॉक इसी के रेंज में घूम रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें देखिए, ये स्टॉक ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्लियर, यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया है। तो हमारा प्राइस कौन सा निकल कर आ रहा है, 726 रुपये के आसपास ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो निकल कर आ रही है, और स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 730 रुपये के आसपास। ठीक है, अब 730 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है और 726 का हमारा यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो इसको ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर दिया है। अब हम इसमें एंट्री कब करेंगे, जब अगर 726 के ऊपर एक दिन और क्लोज करता है तब हम इसमें एंट्री करेंगे, ना कि एक दिन क्लोज करने के बाद। हो सकता है ये फेक सिग्नल हो और यहाँ पर हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, तो इसके ऊपर एक दिन और क्लोज होने दीजिए। और बशर्ते आप ये होना चाहिए कि अगर 730 के ऊपर क्लोज करता है तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 726 के ऊपर भी क्लोज करेगा तो भी नो प्रॉब्लम, ग्रीन कैंडल में लेकिन होना चाहिए। फिर वहाँ पर ये स्टॉक देखिए कहाँ पर जाके रुकेगा, इसके बाद ये सीधा ये स्टॉक जाकर रुकेगा दूसरा वाला, इसका मैं फर्स्ट टारगेट आपको बता रहा हूँ।
कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा 761 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि यहाँ पर देखिए बना हुआ है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए ये वाला यहाँ पर प्राइस को टच किया था, फिर यहाँ पर टच किया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर देखिए दो कैंडल यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, और तीन चार कैंडल यहाँ पर भी देखिए छोटी छोटी दिख रही हैं, यहाँ पर भी ये इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था ये वाला प्राइस। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 761 रुपये का। अब चलिए मैं आपको सेकंड टारगेट दिखा देता हूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर दूंगा, ग्रीन कलर का है तो इसको मैं पिंक ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 824 का, 824 रुपये का हमारा सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। अब देखिए निचला इसका सपोर्ट है 686, ऊपर वाला सपोर्ट है 726, इसके रेंज में घूम रहा था, इसको ब्रेक करके क्लोज किया 730 के प्राइस पर, इसने क्लोजिंग दी है आज। अब 726 के ऊपर या 730 के ऊपर कहीं भी ये अगर क्लोज करता है एक दिन और ग्रीन कैंडल में, तो ये 761 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 824 का हमारा फर्स्ट सेकंड टारगेट होगा, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। पहला सपोर्ट यहाँ पर है 761 के आसपास, और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है 824 के बाद। देखिए दोस्तों, इस निफ्टी 50 के स्टॉक में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं डेली, जैसा कि मैं ढूंढ कर लाता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमेशा। तो ऐसा नहीं कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी रहती हैं। तो आप लोग ट्राई करिए कि निफ्टी 50 में ही काम करिए, बेटर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। काफ़ी सारी यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है हमेशा, तो आप लोग मतलब ऐसे छोटे मोटे स्टॉक पर ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, इन्हीं 100 स्टॉक में आपको डेली कोई ना कोई स्टॉक मिलता रहता है। इतने स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे से स्टॉक करें तो अच्छे से स्टॉक की एनालिसिस करते हैं आप लोग, तो डेली या दो चार दिन में हमेशा आपको स्टॉक मिलते रहते हैं। फिर भी मैं डेली एक स्टॉक तो लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूँ, जहाँ पर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूँ, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।